जय माता दी। जन्म कुंडली विश्लेषण आपके साथ एक नया लेकर के आए हैं। इनका नाम है हेमदत्त राव। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1972। जन्म समय है 5:56 शाम का और जन्म स्थान है इनका मुंबई। इनकी जन्म कुंडली की अगर हम बात करें तो इनकी कुंडली जो है मीन लगन की कुंडली है। तीसरे घर में शनिदेव, चौथे घर का केतु, चंद्रमा, पांचवें घर में शुक्र, छठे घर का और सूर्य मंगल बुध, सातवें घर में राहु बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष, दसवें घर में कामकाज के घर में बैठा हुआ है। लगभग 2018 नवंबर से चंद्रमा की महादशा शुरू है इनकी कुंडली में और चंद्रमा में अंतरदशा बृहस्पति की है। चंद्रमा जिस ग्रह की महादशा है वो पांचवें घर में खुद की राशि का बैठा हुआ है, कर्क राशि का। दिल का अच्छा बनाएगा, अपनों के लिए करने वाला बनाएगा, संतान सुख भी देगा, संतान यानी पुत्र का सुख भी देगा। लेकिन चौथे में केतु नीच राशि के अंदर जाकर के बैठा है तो ये केतु कहता है कि पुत्र का सुख तो मिलेगा लेकिन हो सकता है थोड़ा इनको वेट करनी पड़े, 34 साल की उम्र के बाद इनको पुत्र का सुख मिले, लेकिन पुत्र का सुख जरूर लिखा हुआ है। चंद्रमा रुपया पैसा सुख समृद्धि लिक्विड कैश सब माना जाता है। अब बृहस्पति जिसकी अंतरदशा है वो दसवें घर में राहु के साथ जाके बैठ गया और लाल किताब का लो है कि दसवां घर टक्कर मारता है पांचवें घर को, यानी दसवें घर का ग्रह पांचवें घर को पूर्ण रूप से खराब कर देता है। ऐसे में इनको जिन चीजों का खास ध्यान देकर के चलना चाहिए, बृहस्पति और चंद्रमा यानी रुपया पैसा सुख समृद्धि को खराब करने का काम करेगा। कभी किसी के साथ पैसे का लेन देन करो, प्रॉपर्टी का लेन देन करो, भरोसे पे मत करो, कोशिश करो किसी को उधार पे पैसा ही मत दो। अगर देना पड़े तो लिखत पढ़त करनी बेहद जरूरी है। सबसे अच्छा और शुभ ग्रह इनकी कुंडली के अंदर शनि तीसरे घर में जाकर के जो बैठा है, जितना चुस्त चलाक और डिप्लोमेटिक होके चलोगे जीवन में उतनी तरक्की देखने को मिलेगी। घर के अंदर अगर एक काले रंग का कुत्ता पाल लिया तो जीवन में कभी काम को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, काम का सुख हमेशा के लिए मिलेगा और प्रॉपर्टियों के सुख भी मिलने शुरू होंगे। शुक्र नीच घर के अंदर छठे घर में और उसका दुश्मन ग्रह सूर्य सातवें घर में मंगल बुध के साथ जाकर के बैठ गया। मंगल बुध सूर्य की युति हिम्मत और मेहनत करने की ताकत तो देती है, हिम्मत भी देती है, लेकिन स्वभाव में गुस्सा भी जल्दी देती है। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र नीच का है, पत्नी या तो बीमार रहेगी या तालमेल हमेशा ही कुछ ना कुछ बातों को लेकर के खराब रहेंगे। परमात्मा ना करे अगर 25 से पहले शादी हो जाए तो तलाक भी करवाता है। बुध अपने घर का जरूर बैठा है, बोलने के काम, बात करने के काम, पब्लिक डीलिंग के काम बहुत अच्छे रहेंगे, बैंकिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन मंगल बुध का संबंध भी तो बन रहा है शादीशुदा जीवन के घर में, तो उसको तो खराब करेगा ही। मंगल सूर्य का मेल मेहनत और हिम्मत की ताकत भी जरूर देता है, लेकिन सूर्य नीच घर में है तो नौकरी करना फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि बुध साथ में है तो इतना बुरा नहीं होगा। नौकरी में कुछ ना कुछ हालात ठीक रहेंगे, लेकिन व्यापार के अंदर भी शनिदेव इनको जरूर तरक्की देगा। 34 साल की उम्र के बाद व्यापार के अंदर तरक्की मिलेगी। सबसे शुभ काम इनके लिए जो देखे गए हैं वो शनि के काम है, जिसमें लोहे का, लकड़ी का, बिल्डिंग मटेरियल का, ठेकेदारी का काम, तेल का काम या किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का काम या कोई भी इंडस्ट्री लाके उसमें अंदर अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, खास करके अगर प्लास्टिक की बुध की मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा रुपया पैसा सुख समृद्धि तरक्की सब कुछ देखने को मिलेगा। चौथे घर के केतु के बारे में तो बताए, 34 साल के बाद पुत्र का सुख देगा, लेकिन नीच का बैठा है तो माँ को सेहत की दिक्कतें देता है, खास करके कमर पाँव को लेकर के दिक्कतें, खुद भी कमर पाँव का ध्यान रखना है या गुप्तांग के अंदर कुछ ना कुछ कमी के योग देता है। घर के अंदर सुख शांति के अंदर कमियां देता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन देता है। और चौथे घर के नीच केतु की सबसे खराब बात यह होती है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी बनाता है, डिप्रेस जल्दी करता है इंसान, नेगेटिव जल्दी सोचता है। इन सारे हिस्सों को देखने के लिए क्या करना चाहिए, चंद्रमा की जो दशा है वो लगभग 10 साल चलेगी 2028 तक। पैसे का लेन देन से बचे, पेमेंटें रुक सकती है, खराब हो सकती है, या जितना कमाया उतना खर्च होता चला जाना। इसलिए महादशा के क्या उपाय करें, प्रेजेंट टाइम के 27 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री सफ़ेद सूती कपड़े में बांध करके चलती नदी में जल प्रवाह करो या किसी मंदिर में रख के आइए। अगला उपाय, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाइए और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में जरूर दीजिए। घर में कुत्ता पालना बहुत जरूरी है और शुक्र के लिए पत्नी घर में कभी नंगे पांव ना रहे और हो सके तो
एक सोने का क्लिप या सोने की सुई बनवाइए, उसके ऊपर लाल मूंगा लगा के अपने हाथों से अपने पत्नी के बालों पर लगाइए और पत्नी को बोलो कभी कभार उसको इस्तेमाल करते रहे। इससे पत्नी की सेहत भी अच्छी होगी, तालमेल भी अच्छे होंगे, काम भी बढ़ेगा, रुपया पैसा भी बढ़ेगा। और साथ ही 6 शुक्रवार एक सफ़ेद पत्थर लीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद चंदन का लेप करके सर से 7 बार उतार के चलती नदी में प्रवाह कर दीजिए और पत्नी को बोलिए हर शुक्रवार गाय की सेवा जरूर करें। मात्र ये उपाय कीजिए, जरूर लाभ होगा। जय माता।